उत्तर प्रदेश के सांजापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां वह नेशनल हाईवे 24 पर कार और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एलके मिश्रा शाहजहांपुर से हमसे जुड़े हुए हैं। जी एलके मिश्रा, क्या कुछ जानकारी है शाहजहांपुर में जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला? ये आपको बताते चलें, ये आज करीब 11 बजे नेशनल हाईवे 24 की घटना है। रोजा का बरतारा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ एक लखनऊ की तरफ से तेज रफ्तार कार आ रही थी और उस कार ने सबसे पहले तो एक टेम्पो साइड में खड़ा था, उस टेम्पो वाले को टक्कर मारी और उसके बाद टक्कर मारने के बाद मूंगफली का ठेला लिए एक व्यक्ति आगे जा रहा था, उसको भी टक्कर मार के आगे दुकान में घुस गई। इसमें जो था टेम्पो चालक था, उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई और जो दूसरा जो था अवनीश नाम का जो मूंगफली का ठेला चालक, वो उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। जी कुलदीप जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता एल के मिश्रा हमसे जुड़े हुए थे। तो बता दें कि शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गंभीर हालत में बताया जा रहा है। जेपी को चेतावनी देते हुए